नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में तेजी से चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद मौत का खतरा 95% तक कम हो जाता है। इसका खुलासा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की एक स्टडी में हुआ है। ICMR ने अपने ताज़ा अध्ययन में पाया है कि वैक्सीन की दो खुराकें कोरोना से होने वाली मौतों को 95% तक कम करती हैं, तो वहीं सिंगल डोज लेने वालों में मौत का जोखिम 82% तक घट जाता है। तमिलनाडु पुलिस विभाग के 117,524 कर्मचारियों पर की गई ये स्टडी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुई है। इस स्टडी के जरिए वैक्सीन ले चुके और वैक्सीन नहीं लेने वाले पुलिस कर्मियों में कोरोना से होने वाली मौतों का अनुमान लगाना था। ये स्टडी 1 फरवरी 2021 से 14 मई 2021 के बीच की गई थी। स्टडी में 32,792 पुलिसकर्मी ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन की एक ही डोज लगी थी। स्टडी में शामिल 67,673 पुलिसकर्मी दोनों डोज ले चुके थे। साथ ही 17,059 ऐसे भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। स्टडी के मुताबिक 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2021 के बीच कोरोना से 31 पुलिसकर्मियों की जान गई। इनमें से 4 ऐसे थे जो दोनों डोज ले चुके थे, जबकि 7 को एक ही डोज लगी थी। वहीं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी उनमें से 20 की मौत हो गई थी। सामने ये भी आया कि वैक्सीन नहीं लेने वालों की तुलना में वैक्सीन लेने वालों में मौत का खतरा काफी कम है। वैक्सीन की पहली डोज ले चुके पुलिसकर्मियों में वैक्सीन नहीं लेने वालों के मुकाबले मौत का जोखिम 0.18% और दोनों डोज ले चुके पुलिसकर्मियों में जोखिम 0.05% था। स्टडी में सामने आया कि वैक्सीन कोरोना से होने वाली मौतों को रोकने में असरदार है, लिहाजा कोविड से मौतों को कम करने और आने वाली लहरों से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।